किशोरावस्था की समझ। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा 10 से 19 के बीच में है उसको हम लोग एडोलेसेंस ग्रुप स्टूडेंट बोलेंगे। ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए। तो हम लोग के पास जो बच्चे आते हैं वे क्लास 9 से आते हैं और क्लास 12 तक रहते हैं। तो जो हमारा 13 इयर्स है उसे लेकर हम लोग 18 इयर्स तक के बच्चों के साथ रहते हैं और उनके मनोभाव को समझते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि हमारा प्रशिक्षण में किन शिक्षण विधियों से हम लोग एडोलेसेंस को समझेंगे। ये जो एडोलेसेंस है ये एडोलेसेंस क्योंकि वहां नहीं हुआ लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मीनिंग है प्रमोटिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मतलब हम परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। और इस एडोलेसेंस में पिछले सदन से कहा था कि इसे आंधी तूफान की उम्र भी कहा जाता है और जिसे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनले उन्होंने ये बताया था। इस एडोलेसेंस में हम अगर बहुत पहले चले जाते हैं 4th century चले जाते हैं और उन्होंने क्या कहा था एडोलेसेंस के बारे में जो अभी तक तर्क संगत है। उन्होंने कहा था कि दे मींस एडोलेसेंट नो एवरीथिंग। एरिस्टोटल कहा 4th century में ये बात कहे कि जो किशोरावस्था के लोग हैं वो सभी कुछ जानते हैं। हम लोग अपने घर से अपने बच्चों को देखते हैं कुछ बच्चे हमारे पास कुछ प्रश्न करने आते हैं तो हम लोग उसको ये कहते हैं कि देखो तुम अभी बड़े नहीं हुए हो छोटे हो। जबकि बच्चों का मनस्थिति यह है कि हम बड़े हो चुके हैं तो वह दुविधा में रहता है कि क्या मैं बच्चा हूं या व्यस्त हो चुका हूं। उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत नहीं कर पाते हैं। जो सारे शिक्षक हैं अगर उनके साथ विद्यार्थियों का सही समन्वय है तो कुछ प्रश्न पूछते हैं। खासकर जो जीव विज्ञान से संबंधित शिक्षक है वे प्रश्नों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उसका जवाब देते हैं। तो हमारे देश में ये किशोरावस्था को टारगेट क्यों किया गया हम लोग यहां से समझते हैं। जैसे एनसीएल की चर्चा कल हुई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और इसमें इसके पूर्व में जितने सारे पॉलिसीज आए 1986 में और सेंसस हमारा हुआ तो वहां देखा गया कि 253 मिलियन जो टोटल पॉपुलेशन का इतना पार्ट है दे आर एडोलेसेंट ग्रुप के लोग वहां पे। ये एडोलेसेंट ग्रुप उस सर्वे में देखा गया इसमें से भी 61% बॉयज को देखा गया और जो रेस्ट था वो गर्ल्स था। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो 2000 में था उसका 21% एडोलेसेंट था। टोटल जो 2011 में इसके बाद एनसीआर के कोऑर्डिनेशन से के गाइड से गाइडेड बाय एनसीआर उन्होंने टारगेट किया कि एडोलेसेंस एजुकेशन मस्ट है एई मींस एडोलेसेंट एजुकेशन। एडोलेसेंस एजुकेशन बहुत मस्ट है क्योंकि जिस एज ग्रुप के साथ हम लोग रहते हैं वे एज ग्रुप वाले स्टूडेंट कहां पे चले जाएंगे तो वे 18 से लेकर धीरे धीरे वे यूथ की ओर जाएंगे। 23 इयर्स में प्रवेश कर सकते हैं 24 इयर्स में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये है क्योंकि कल आप लोगों को बताया गया होगा कि शिक्षा के उद्देश्य में हमें
समग्र नागरिक कैसे बच्चों को बनाते हैं, तो उसी समग्र नागरिक को बनाने के लिए हम टारगेट कर रहे हैं किसको, एडोलेसेंट को। ये बेस है, ये आधार है, क्योंकि अगर ये मेरा मजबूत हो जाएगा एडोलेसेंस ग्रुप, तो हम आने वाले समय में ये भारत को एक युवा देश के रूप में समझ सकते हैं। और हाँ, 2011 और कहा ये 2023 चल रहा है, तो अभी हम लोग युवा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है एडोलेसेंस एजुकेशन। व्हाई दिस एजुकेशन इज मस्ट इन इंडिया, इसलिए है कि हमारा जो यूथ ग्रुप है, हमारा जो एडोलेसेंट ग्रुप है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, उसको हम लोग टारगेट करेंगे, उसको फोकस करेंगे। इसके साथ ही साथ एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम की कल्पना की गई, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को सीबीएसई ने कंडक्ट किया। दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई फॉर टीचर्स ऑनली। और अभी भी आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि सीबीएसई के नॉर्म में एईबी का कितना बड़ा रोल है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उसमें से 3-4 एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो एडोलेसेंस है, जो उनके अंदर तो उन सब परिस्थितियों में विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुसार शिक्षक कैसे उनके साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके साथ उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर ये कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को हम दूर नहीं करें, क्योंकि वे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आंसर ले लें। और अभी सदन से निकल कर आए कि पीयर जो ग्रुप का था उसमें वे लोग माता पिता से ज्यादा पीयर ग्रुप को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर उनके पास कुछ क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन का सही आंसर वो नहीं ले पाए, तो कोई अदर सोर्स से क्यों ले लें, तो क्यों ना एक शिक्षक, क्यों ना एक अभिभावक उसको आंसर दे। जैसे हम सदन से प्रश्न पूछना चाहते हैं, हाँ सर आप ही बताइए कि अगर आपका बच्चा 9th में पढ़ता है तो क्या वो बाइक चलाना सीखेगा या चलाना जान पाएगा, जबकि आपने उसको मना किया है कि तुम्हारा 18 साल नहीं हुआ है, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, तुमको गाड़ी नहीं चलाना है, आप गाड़ी चलाने नहीं दे रहे, क्या आपका बच्चा गाड़ी चलाना सीखेगा? आजकल के बच्चे उम्र को समझ नहीं पा रहे, अगर घर में बाइक है तो चलाना चाहते हैं। आप बंदिश कर दिए, आप उसको बाइक भी नहीं दे रहे हैं। जी सर, उस स्थिति में वो कर पाएगा, सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। जी सर, एक और हम बाइक दे ना दे, बच्चा तो सीख ही जाएगा, है ना? इसलिए ये हम कह नहीं सकते कि वो नहीं सीखेगा, वो हमसे बहुत कुछ छुपाता है और उनका उम्र भी होता है, चाहिए सीख ही जाएगा। सर, अनुभव से बता रहे हैं। नहीं मैडम, आप लोग ये स्कूटी में थोड़ा सा अच्छे जा रहे हैं मैडम, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे इस एज में 9th में 10th में आप देखेंगे कि जो बच्चे रिजल्ट लेने आते हैं आफ्टर 10th क्लास किया जा रहा है। और सर आपकी शादी हो चुकी है सर? हाँ, चलिए मान लीजिए आपके बच्चे हैं जो झूठ बोलना नहीं जानते, 3-4 साल आप कहीं से इलेक्शन से था बुक कराए तो सोए हुए कहीं नहीं, नहीं तो आपका बेटा है आपको उठा रहा है कि पापा उठे बाहर में अंकल आपको बुला रहे, तो बेटा वहां जाकर बोल देगा कि आप बोल दिए बेटा को क्या बोल दो कि पापा घर में नहीं है। अब हो गया और लड़का बोल रहा है कि पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है, आपका क्या रिएक्शन है? उसे झूठ बोलने की परिस्थिति नहीं, बच्चा है ना वो झूठ नहीं बोलता है, जो चीज है वो अनुग्रह करना चाहता है, मतलब सीखना चाहता है, तो हम उसको लाख प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना करे, लेकिन वो
आपका क्या प्रयास रहेगा सर? मैंने बच्चा आपको तो मजबूरी में कूट के जाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद आप क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा अपने बच्चे? ट्रीटमेंट क्या देंगे सर? वो तो अवस्था, वो आपका क्या कर सकते हैं उस समय, परसेंट ऑफ माइंड क्या रहता है? सही बताइए सर। जो वही बात बोल रहे हैं, जैसे कि वो अवस्था पर निर्भर करता है, जैसे हम लेटे हुए हैं पूरा नींद में नहीं है, बहुत तरह की बात है, या जैसे कि हम कहीं शादी पार्टी में जाएंगे, पेशेंट्स को हम लोग जैसे सर ने बताया कि प्री और पोस्ट पीरियड में बांटेंगे, तो हम इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं अर्ली एडोलेसेंस ग्रुप, एक मिडिल और एक लेट। हम लोग 11 से 30 मिनट्स को यहाँ रख सकते हैं, और जो बायो के टीचर है वो बता सकते हैं कि इस एज में जो ग्रोइंग लेवल है, जो फिजिकल ग्रोथ है, वो एक्सट्रीम होता है। हाँ, जब वो 14 और 15 इयर्स में चला जाता है तो उसका मेंटल ग्रोथ लगभग पूरा हो जाता है, जिसमें से लड़कियों में पूरा कंप्लीट हो जाता है, लड़कों में थोड़ा सा बचा रहता है। फिर 16 से हम लोग 17 और 18 इयर्स में आएंगे तो यहाँ पे वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाएगा। और इस स्थिति में हम लोग बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब जैसा कि चर्चाएं हो रही थी उस दरमियान यहाँ पे जो ग्रोथ आया और यहाँ से हम लोग चेंजेस की बात करेंगे, तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे, इसके बाद सोशल, फिर हम लोग मेंटल चेंजेस की बात करेंगे, फिर हम लोग हार्मोनल चेंजेस की बातें करेंगे। इन शॉर्ट हमको डिटेल में नहीं जाना है, तो सदन से चाहेंगे कि इस एज के बच्चों में क्या क्या फिजिकल परिवर्तन चेंजेस आती है, जैसे कि एक तो ब्रीदिंग हो गया, तो और क्या क्या हो सकता है उसमें, और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं?